जय हिंद। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ औरंगाबाद महाराष्ट्र में मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। इट्स बदनाम चाय, राइट। इसकी कहानी बताने से पहले मैं आपको दिखा दूँ, पहले ये लोग चाय मिट्टी के कुल्हर में देते हैं, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। और यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, प्ले योर फेवरेट सॉन्ग इन 2 रुपीज ओनली और द डोनेशंस कलेक्टेड विल बी यूज फॉर अ गुड कॉज, अच्छे काम के लिए। नॉर्मली आई डोंट टेक टी बट यू कैन सी दिस मैम हैज़ टेकन ट्वाइस, राइट। सो हाउ इज द टेस्ट मैम? The traditional cup. Traditional. Which is very, very advantageous for environment. Right. It can be completely recycled and it is absolutely hygienic. Okay. All right. So now let's meet the founder who has this idea. Achha, brother, kab se milunga aapka? Iska naam badnaam chai kyun hai? Okay. So when we had this idea, me and my partner, so we tried telling it to our parents, and the situation was like we both are software engineers basically, and they told us that like despite being a software engineer, you'll be selling a chai, a street side chai, and that would basically ruin our family's name, and ruining in Hindi is like badnaam. So that's where we picked up this word. So इसलिए हमने चाय का नाम ही बदनाम चाय रख दिया। पहले घर वालों ने बोला कि तू खानदान का नाम बदनाम करेगा, so you have this idea. खानदान का नाम basically बदनाम हो जाएगा, right. इसलिए हमने फिर चाय का नाम ही बदनाम कर दिया। ये मिट्टी के कुल्हर में 10 रुपए में चाय बच जाता है, पैसा प्रॉफिट होता है? हाँ, मतलब बाकी चाय वालों से कम बचता है, बट सारी चीज़ें प्रॉफिट के लिए नहीं होती, राइट। तो कल्चर सेट करने की बात होती है, एक यहाँ पे कुल्हड़ का इतना कल्चर नहीं जितना यूपी बिहार में, राइट। सो वी वांटेड टू ब्रिंग दैट कल्चर टू आर ओन रीजन, एंड दैट्स व्हाई डिस्पाइट हैविंग लो प्रॉफिट्स वी वांटेड टू डू इट। नासिक में मैंने पूछा एक होटल वाले से कि आप कुल्हड़ में क्यों नहीं देते, बोला 10 रुपए के लिए अपन मिट्टी का वो नहीं फोड़ेगा। हाँ, उसमें लाइक प्रॉफिट 20-25% ही होता है, ज्यादा नहीं होता। अच्छा, बट देन वी सेल इट इन वॉल्यूम्स टू ब्रेक इवन। अच्छा, तो ये आइडिया क्या, एक चाय वाला है करोड़पति उसी से आया, एक लड़का जो आप ही की तरह यंग है, MBA चाय वाला एक है, और राइट चाय सुट्टा बार। यस सर, यू वांटेड टू स्पीक। एक्चुअली ये जो कुल्हड़ में चाय देने का इनका जो स्लोगन है जी, वो देखने लायक है, इधर बोर्ड पे है, तो वहाँ लिखा है कुल्हड़ में चाय इसलिए पीते हैं कि अपनी मिट्टी अपने को टच करती है। अरे वाह, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है कुल्हड़ में चाय पिया करो दोस्तों, इसी बहाने देश की मिट्टी चूमने का। अरे वाह, क्या बात है, RS 10 ओनली बदनाम चाय, असल बनारसी कुल्हड़ वाली चाय, कुल्हड़ में चाय पिया करो। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि स्लोगन इनका बहुत कैची है, कुल्हड़ में चाय पिया करो दोस्तों, इसी बहाने देश की मिट्टी चूमने का अवसर मिलेगा। वेरी नाइस। एक दुनिया में सुना है जी जी कि बेईमानी के लोग ही ईमानदारी से बिहेव करते हैं, राइट। ये बदनामी नाम होगा लेकिन इतनी इनमें ईमानदारी बची। Right. Very nice idea. So this is all about. I personally tasted the tea here. That's amazing. पर बिस्किट चाय भी मिलता है, ये देख लीजिए, आप चाय पी लीजिए और बिस्किट खा लीजिए, ऊपर से इसको तोड़ते हुए आप जा सकते हैं नीचे। ये बिस्किट चाय कितने का देते हैं? 20 रुपीज। ये आपको 10 रुपीज में मिलेगा और 20 में इनको दे दीजिए। वेरी नाइस आइडिया, राइट। एक मुझे भी दीजिए, मैं टेस्ट करके देखता हूँ। यस, थैंक यू वेरी मच। अब ये मैं पीकर आपको टेस्ट बता देता हूँ इसका। ये सेकंड पार्ट। अच्छा, ये भी पार्टनर है, ये चाय में आपका पी रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है आपका चाय। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। और ये सर हमारे साथ, ये भी दूसरी कप चाय, बिस्किट चाय का, आपको कैसे लग रहा है सर? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है, आइडिया है, इनोवेटिव आइडिया है। असल में IT वाले फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, इन्हीं के माध्यम से परिवर्तन आएगा जी जी। एक तो मैंने बोला देशी गाय पर जाओ जी जी, देशी गाय का दूध, देशी गाय के पेड़े, गारंटी देशी गाय का अनमार्केट एनर्जी। उसके बाद में आ जाओ ऑर्गेनिक,
आपके साथ में क्या ऑर्गेनिक हो सकता है। जी 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 आइए। टाइम हमारे पास कम है अभिषेक, टाइम कम है वरना बात जरूर करते, बहुत अच्छा है। सर कह रहे हैं आपको गाय, देसी गाय के प्रोडक्ट्स आप बेचिए और अच्छा मजा। हाँ सर, आप भी आते रहिए सर, आपका प्यार ही हमारा सपोर्ट है। आप यहीं से हैं? हम यहीं से। अच्छा, हिंदी में चीजें लिखी हैं तो ये और अच्छा लगा। हाँ, वैसे लोग कम लिखते हैं। सर हम लोग बाहर रहे पढ़ाई के लिए, तो मल्टीकल्चरल लोगों में रहे जरा। हिंदी हमारी लैंग्वेज है, इस देश की है, किसी की खास नहीं है। हाँ, पूरे देश की। सुमित जी आए, हिंदी बोल नहीं सकते। सुमित जी आ गए, जिनके साथ अपनी मीटिंग तय है उनको जाना है। विवेकानंद केंद्र कुमारी, इनके जो ये मोटिवेटर्स हैं उनसे मैं अपनी मुलाकात। चलिए ठीक है, थैंक यू दोस्त, बहुत अच्छा लगा चाय पी के। तुषार में नहीं, फंटास्टिक।